हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ब्रेड के गुलाब जामुन बताएंगे आप लोगों को किस तरह से हमने बनाया था। तो बहुत ही अच्छा बना था, तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ हमने 6-7 ब्रेड ले लिए हैं। अब इसको किनारा जो है काट लेंगे चाकू से, तो सारे किनारे इसे हम चाकू की सहायता से सारा किनारे को ऐसे ही काट लेंगे। इसी तरह से चारों तरफ से सब जो है ऐसे काट के रख लेंगे। यहाँ देखिए, हमने सबको काट लिया है। तो अब हम इसको तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ के रख लेते हैं। अब यहाँ हम सब ब्रेड को तोड़ लिए हैं। तो यहाँ हम 1 कप के करीब दूध लिए हैं। तो अब दूध थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए सॉफ्ट डो इसका बना लेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो गीला हो सकता है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एकदम सॉफ्ट, बहुत ही एकदम सॉफ्ट ही रहे तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे ही सॉफ्ट आधा गोट लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा ये डो बन गया है। तो हम इसको खूब मसल मसल के हाथ से सॉफ्ट डो इस तरह से हम लगा देंगे। अब इसको हम सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए ढक के अच्छे से रख देंगे, ताकि हमारा आटा जो है अब सेट हो जाए। तो इसको हम प्लेट से ढक देंगे। अब यहाँ हमने 1 गिलास पानी लिए हैं। तो अब चलते हैं, चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ हमने हमारा 6-7 ब्रेड था, तो यहाँ हम 250 ग्राम चीनी ले लिए हैं और 1 गिलास पानी। तो चलिए, अब इसको चाशनी हम गला के एक तार की चाशनी बना लेते हैं, ज़्यादा गाढ़ी ना रहे। तो चाशनी बना के हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमारा चाशनी अब बन चुका है। तो हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिए हैं। तो अब इसको थोड़ी देर में अभी बंद कर देंगे, क्योंकि अब जो है हमारा चाशनी बन चुका है। अब इधर आटा हम देख लेते हैं। हमारा आटा 15 मिनट हो चुका है। तो अब हमारा आटा जो है सेट हो चुका है। तो इसको और हाथ से खूब मसलेंगे, फिर मसल मसल के इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। जितना बड़ा आपको पसंद हो, उतना बड़ा आप गोलियां एक साइज का बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें छोटे छोटे टुकड़े काट के गोलियाँ बना लेते हैं। हाथ से दबाते हुए अच्छे से एकदम चिकना चिकना सा इसका गोल गोल सा बना लेना है। इसी तरह से देखिए, हम 6-7 ब्रेड का हमारा इतना बन चुका है और 10 गुलाब जामुन बन चुके हैं। तो हम कढ़ाई रख देते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। तो आप चाहे तो रिफाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने देसी घी डाला है। तो अब हम इसी में गुलाब जामुन को तलेंगे। तो जो अब घी डाल देते हैं और हमारा घी गर्म हो जाता है, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख के इसको, ज़्यादा ना हाई रहे ना लो, मीडियम में इसको 4-5 कर करके इसको
तल लेंगे और चारों तरफ से ऊपर से तेल चढ़ाते हुए जो है ताकि हमारा चिपके ना, तो इस तरह से हम उसको तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही चलाएंगे चारों तरफ से और ये हमारा अच्छे से तल जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो आप चाहे तो और इसको मतलब ब्राउन कर सकते हैं, तो हमने तो इतना किया है। तो उसके बाद हम इसको निकाल के अब दोबारा जो और बचे हैं उसको डाल देते हैं। तो अब सारे जो है ऐसे ही तल लेंगे। इसे चारों तरफ से घुमाएं, नहीं तो नीचे से पकड़ लेता है। तो इसको चारों तरफ से अच्छे से घुमाते हुए अब जो है सब हमारा इस तरह से तल जाएगा। तो जो हमने चाशनी बना के रखी है, इधर देखिए हमारा बन चुका है। तो चाशनी हमारी अभी गर्म है, ठंडी नहीं हुई, उसको गर्म ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो गलेगा नहीं। तो हमने गर्म चाशनी में उसको डाल दिया ये भी। तो अब इसको हम आधा घंटा के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए अब हमारा जो है गुलाब जामुन गल चुका है। तो बहुत ही सॉफ्ट बना था, तो बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।